हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बड़ी कलम में। आजकल के समय में बच्चों के लिए फोकस के साथ पढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इसका कारण है कई तरह के डिस्ट्रैक्शन होना। इस वजह से बच्चों का पढ़ाई पर फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे पढ़ाई करने बैठते ही है लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। अगर आप बिना फोकस के साथ पढ़ाई करोगे तो आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाओगे। इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई करते टाइम पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर हो। अगर आप भी पढ़ाई करने बैठते हो उस टाइम आप पढ़ाई नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाइए और उसको ज्वाइन करिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई में कैसे फोकस करना है। आज मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स बताऊंगा, उसको फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन ला सकते हो, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, टॉपर बन सकते हो। लेकिन इस टिप्स को फॉलो करने के बाद, नंबर वन, स्टडी प्लान बनाएं। माइंड कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना होगा। आपको ये तय करना होगा आपको हफ्तों में कितने सब्जेक्ट को कितने टाइम के लिए पढ़ना है। स्टडी टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इससे आप स्ट्रेस फ्री फील करोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको स्टडी शेड्यूल बनाना होगा, एक वीक में कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने टाइम के लिए पढ़ना है। बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके पास, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा आपको हफ्तों में कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने टाइम के लिए पढ़ना है। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आपको वीक में ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको बायोलॉजी कितने टाइम के लिए पढ़ना है। एक आवर्स पढ़ सकते हो, दो आवर्स पढ़ सकते हो, तीन आवर्स पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको स्टडी शेड्यूल बनाना होगा, इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे। सेकंड, हार्ड सब्जेक्ट को पहले पढ़ो। अब आपने स्टडी शेड्यूल बना लिया, अब आपको क्या करना है, पहले ही दिन से आपको हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, उसको आप वीक के बाद भी पढ़ सकते हो। ऐसा करने से आप कभी बोर भी नहीं होगे और पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर कर पाओगे। इससे कि आप जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, उसको आप हफ्तों के बाद में पढ़ सकते हो। हार्ड सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप उसमें कमजोर हो। आपने स्टडी शेड्यूल बना लिया, अब तो मैं आपको कितना सब्जेक्ट तैयार करना है, कितने टाइम के लिए पढ़ना है, उसके बाद आपको हार्ड सब्जेक्ट को पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हार्ड सब्जेक्ट को पहले पढ़ोगे तो आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो क्योंकि आप हार्ड सब्जेक्ट पर मेहनत कर रहे हो, खुद पर मेहनत कर रहे हो। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप बाद में रिविजन कर रहे हो। हो सके तो आपको हार्ड सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, उससे आप पर खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे नंबर ला पाओगे क्योंकि आप हार्ड सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। जिसमें आप थोड़ा कमजोर हो ना, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। हो सके हार्ड सब्जेक्ट को पहले पढ़ो और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप बाद में भी पढ़ सकते हो। थर्ड, पढ़ाई का समय तय करो। पढ़ने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस टाइम पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। आप इवनिंग में पढ़ सकते हो, मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, आफ्टरनून में पढ़ सकते हो या नाइट में पढ़ सकते हो। आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको ये देखना पड़ेगा मैं किस टाइम कंफर्टेबल हूँ किसी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कौन सा रूटीन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। खुद से पहले सवाल करो, तब जाके आप किसी चीज में फोकस कर पाओगे। आखिरी पॉइंट है, कुछ समय का ब्रेक लो। लगातार पढ़ना आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे सका है, इसीलिए हो सके तो आपको 30 मिनट, 5 मिनट, 2 आवर्स या 15 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितने टाइम तक पढ़ रहे हो। अगर आप ब्रेक ले लेते हो तो इससे आपका माइंड रीबूट होगा और आप जब दोबारा पढ़ने बैठोगे ना, उस टाइम आपको कुछ अलग ही महसूस होगा। आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा, आपका दिमाग रीबूट हो जाएगा। जो भी आप सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ोगे ना, वो आपको जल्दी याद होगा और आप पूरा फोकस पढ़ाई में लगा पाओगे। जितना हो सके आपको थोड़ा ब्रेक भी ले लेना चाहिए। एक जगह पर बैठे बैठे रहने से पढ़ाई करते टाइम आप बोर हो सकते हो, आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप बोर होने लग जाओगे। इसीलिए 30 मिनट या 15 मिनट का आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, इससे ज्यादा का भी आप ले सकते हो। तो गाइस, मैंने आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, बहुत इजी पॉइंट है, जो आप इसको फॉलो कर सकते हो और आप अपने पढ़ाई में पूरा फोकस लगा सकते हो। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको किस टॉपिक की वीडियो दिखनी है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।